हाय दोस्तों, मैं हूं रंजन पत्रन। मैं आपका आज दिखाऊंगा, मेरे पास एक रेडमी 2K की हैंडसेट है जो कि अभी सिर्फ MI रिक को रुक जाता है, MI लिख कर या MI लोगो आकर, और कभी कभी रिस्टार्ट भी होता है। तो ये देखिए, ये है आपकी रेडमी 2014818 की हैंडसेट, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये उसकी मॉडल नंबर 2014818 की हैंडसेट। और दोस्तों ये है रेडमी 2 की हैंडसेट, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने अभी बैटरी डालता हूँ। तो ये दोस्तों, बैटरी डालने के बाद जब मैं पावरिंग करता हूँ तो ये सिर्फ MI रुक इस तरह लिख कर रुक जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ MI लिख कर रुक जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब होने के बाद मैं जब नया नया वीडियो शेयर करूँगा तो आपकी डेस्कटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे रेडमी 2 की हैंडसेट। और दोस्तों, उसको हम फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। फ्लैशिंग करें तो फ्लैश करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, वो बात हम आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो आपको पहले जाना है गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, जो भी आप यूज़ करते हैं वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे रेडमी 2014818 फ्लैश फाइल। तो दोस्तों ये देखिए, 2014818 ये जो मॉडल नंबर है, तो इसमें मैं लिख दिया रेडमी 2014818 फ्लैश फाइल, ठीक है दोस्तों। तो फ्लैश फाइल आने का बाद देखिए, ये आ गया आपकी repairmymobile.in वेबसाइट आ गया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए रेडमी 2 और उसका मॉडल नंबर है 2014818 की फ्लैश फाइल स्टॉक रोम। तो उसको हम अभी क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए, आपकी वेबसाइट में इस तरह कुछ पेज आ गया और आपको नीचे जाना है। और नीचे जाने के बाद यह है देखिए, ग्लोबल इमेज वर्सन 9.2.3.0, यह है उस आपकी लेटेस्ट फ्लैश फाइल। और यह है आपकी XME फ्लैश टूल, ठीक है दोस्तों। तो आपको और दोस्तों, और एक चीज़ चाहिए, क्वालकॉम की ड्राइवर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दिया हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वालकॉम की ड्राइवर भी चाहिए, क्योंकि हमारा फ़ोन को वहाँ पर PC से कनेक्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए पहला आपको इमेज ग्लोबल जो फ्लैश फाइल है, आप उसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये एक दूसरे पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आप उसको क्या करेंगे, मीडिया फायर के ये जो साइट ओपन हो रहा है, उसको यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। तो ये जो फाइल है 891.93 MB का फाइल है, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करने से आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको मेन पेज को जाना है और उसके बाद XME फ्लैश टूल, तो उसको हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने में। तो उसको आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये देखिए MI फ्लैश टूल। तो दोस्तों देखिए, नीचे आने के बाद ये देखिए MI फ्लैश टूल 2018115, ठीक है दोस्तों। तो आप उसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह मेगामार्ट आ जाएगा। तो मेगामार्ट आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जाना है, ये जो आप इस तरह जो टूल डाउनलोड किए थे, तो जो टूल पे देखिए, फर्स्ट नंबर है MI ग्लोबल फास्ट बूट रोम, सेकंड पे इंस्टॉल क्वालकॉम ड्राइवर, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो क्वालकॉम को ड्राइवर पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्वालकॉम के ड्राइवर को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों देखिए, उसके बाद तो दोस्तों देखिए, उसके बाद क्वालकॉम की ड्राइवर
और यह है आपकी फ्लैश फाइल, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यह है उसकी MI की फ्लैश टूल, ठीक है दोस्तों। यह है आपकी MI की फ्लैश टूल, ये देखिए MI का फ्लैश टूल, क्वालकॉम की ड्राइवर, और ये है आपकी क्या आपकी फ्लैश फाइल। तो पहले आपको यहाँ पर चाहिए क्वालकॉम की ड्राइवर को इंस्टॉल। तो पहले मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद ड्राइवर को ओपन किया, उसके बाद सेटअप दिया। और सेटअप होने का बाद देखिए मेरा जो भी पुराना ड्राइवर था वो अभी रिमूव हो रहा है, और उसके बाद फिर से रीइंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपके जो ड्राइवर को आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में आपके ड्राइवर है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं आपको इंस्टॉल करने का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये है आपकी ड्राइवर, अभी ले रहा है देखिए प्लीज गो टू विंडोज कॉन्फिगरेशन क्वालकॉम USB का ड्राइवर। हाँ तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आई एक्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल। अभी आपके पीसी से आपके ड्राइवर इंस्टॉल ले रहे हैं, ये देखिए अभी ड्राइवर इंस्टॉल ले गया है। और उसके बाद देखिए ये कुछ ऑप्शन आता है तो उसको हम इंस्टॉल, ये देखिए आपकी अभी फोन ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। तो आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको चाहिए MI का फ्लैश टूल, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने जिस तरह आपको साइट पे दिखाया था। तो ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपके जो फ्लैश फाइल है उसको भी आप एक्सट्रैक्ट ईयर करेंगे। और ये देखिए उसकी फाइल भी एक्सट्रैक्ट हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर MI फ्लैश टूल को ओपन करना है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से यहाँ पर MI फ्लैश टूल को आप ओपन करेंगे, तो ये देखिए आपकी MI की जो फ्लैश टूल है वो भी ओपन हो गया। और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ तो देखिए ये अभी आपकी MI फ्लैश टूल ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपके मोबाइल को आप कनेक्ट करेंगे, उससे पहले देखिए फ्लैश फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो सिलेक्ट का ऑप्शन है, ये जो सिलेक्ट का ऑप्शन है देखिए मैं और जूम कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो सिलेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए, और डेस्कटॉप पे आपकी जो फोल्डर पे आपको फ्लैश फाइल होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे तो डाउनलोड पर है, तो मैंने अभी डेस्कटॉप को ले आती हूँ मेरा जो फाइल है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कॉपी करती हूँ, उसे कैंसिल थोड़ा करती हूँ और उसको मिनिमाइज कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने डेस्कटॉप पे वो फाइल जो उसकी जो फ्लैश फाइल था मैंने रख दिया। तो दोस्तों देखिए तो उसको मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे उसकी फाइल रख दिया। तो उसके बाद MI टूल को ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैं अभी तो दोस्तों देखिए उसके बाद आपको नीचे नहीं जाना है, आपको पे डेस्कटॉप पे मैं रखा हूँ उसके फ्लैश फाइल। तो डेस्कटॉप सिलेक्शन कर रहा हूँ,
उसके बाद नीचे आ रहा हूँ उसकी जो फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, और नीचे आ जा रहा हूँ और ये देखिए ग्लोबल इमेज वर्जन नाम पर, तो उसको मैं सिलेक्ट करता था। ये जो तीर का जो मार्क है तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए आगे आपकी इमेज फाइल, तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पर ओके टिप देता हूँ। तो ये जब ये सिलेक्ट हो गया, नहीं तो आपको फिर से सिलेक्ट करना है, और ये जो फाइल आपके जो फ्लैश फाइल फोल्डर को आप इस तरह क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन कर लेंगे, तो ये आ गई आपकी फाइल। ठीक है दोस्तों, आप इमेज को सिलेक्ट मत करना, उसकी जो फोल्डर को सिलेक्ट करके ये देखिए आपकी फ्लैश फाइल आ रहा है। तो उसके बाद आपको बैटरी पे लगाना है, आपकी फ़ोन पे बैटरी को लगा देना है, और उसके बाद बैक पैनल को सेट कर देना है। और दोस्तों सेट कर देने के बाद ये जो पावर की और ये वॉल्यूम डाउन की को सेम टाइम प्रेस करना है। देखो देखिए पावर की और वॉल्यूम डाउन की को सेम टाइम प्रेस करना है, तो आपकी फ़ोन अभी फास्ट फूड मोड पे आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके जो यूएसबी की जो डाटा केबल है आप उसको लगा दीजिए। ठीक दोस्तों, और लगाने के बाद देखिए आपके यहाँ पर आपके ड्राइवर अभी ले गया, तो ड्राइवर लेने के बाद यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर पे मैनेज पे जाना होगा, और यहाँ पे दोस्तों देखिए मैनेज पे जाने के बाद डिवाइस मैनेजर को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपकी मोबाइल कौन सी में आपका मोबाइल कनेक्टेड है, तो ये देखिए जनरेशन यूएसबी या आपकी फ़ोन फास्ट फूड पे कनेक्ट है, तो उसको आप रख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश पे प्रेस कीजिए। रिफ्रेश पे प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ गया ये आपकी फ़ोन, तो उसके बाद आप यहाँ पर फ्लैश पे क्लिक कर देंगे। तो ये दोस्तों देखिए कैन नॉट फाउंड फ्लैश फाइल अनलॉक बैट, तो ये अभी एरर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फिर से फ्लैश फाइल को, और फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो तीर का मार्क है उसको क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों इमेज पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ओपन कर लेंगे कूल नोट फाइन फाइल स्क्रिप्ट, तो उसको ओके लगा दे के देने के बाद फिर से रिफ्रेश करेंगे, ओके तो फ्लैश भी करेंगे, तो ये फिर से एरर आया है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों वही फ्लैश फाइल को आपको चूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वही फ्लैश फाइल हमने चूज किया, और उसके बाद ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये देखिए तो डिवाइस मैनेजर को फिर से आया, और उसके बाद देखिए ये जो फास्ट फूड मोड को डिसकनेक्ट किया और फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों देखिए कनेक्ट करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देखिए रिफ्रेश आ गया, तो उसके बाद यहाँ पर फ्लैश करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए ये जो टूल है ये एरर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टूल का जो वर्सन है 2019.1260 वर्सन, उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्लोज कर देते हैं, और हम अभी डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हम अभी डाउनलोड करेंगे
2015.1.0.28 की वर्सन, ठीक है दोस्तों, 2015.1.0.28 की वर्सन को हम डाउनलोड करेंगे। तो ये देखिए मेरा डाउनलोड अभी कंटिन्यू हो रहा है और ये 85% भी हो गया। तो दोस्तों देखिए मेरा जो टूल अभी जो वर्सन का डाउनलोड हो गया है, तो देखिए ये जो वर्सन है तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दे के बाद उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखिए ये है उसकी टूल, तो उसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए ये टूल, तो ये जो टूल जो ओपन होता है वो इस तरह इंस्टॉल होकर ओपन होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद ये ड्राइवर लेता है, तो आपको भी जो ड्राइवर को यस कर देना चाहिए। तो फिर से ड्राइवर आए तो उसको इंस्टॉल एनीवे कर लेते हैं, तो उसके बाद ये जो फिनिश पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो करने के बाद जो फाइल को इस तरह आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपको ये जो स्टार्ट मेनू है, तो दोस्तों देखिए ये जो स्टार्ट मेनू है तो उसको अभी हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर जो स्टार्ट मेनू होता है उस पर क्लिक करके MI फ्लैश टूल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपको इस तरह एक टूल आ जाता है, ठीक है दोस्तों। मैं और थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हाँ, तो दोस्तों देखिए इस तरह का टूल आ जाता है। तो टूल आने के बाद आपको यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है और आपकी डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करना है और जहाँ पर आपकी जो फ्लैश फाइल था उसको आप चूज करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये जो अभी आपकी फ़ोन है फास्ट बूट मोड पे, तो आप USB का लगा दीजिए और यहाँ पे दोस्तों लगाने के बाद रिफ्रेश पर क्लिक कीजिए और ये आ गया आपकी फ़ोन डिटेक्ट। तो उसके बाद फ्लैश पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए आपकी फ़ोन अभी फ्लैश एरर आ रहा है और आपकी फ़ोन पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों ये देखिए आपकी फ्लैश अभी स्टार्टिंग हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। देखिए अभी आपकी फ्लैशिंग कंटिन्यू चल रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब होने के बाद मैं जब नया नया वीडियो शेयर करूँगा तो आपकी डेस्कटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए कंटिन्यू ये चल रहा है और आपकी फ़ोन भी यहाँ पर फास्ट बूट मोड पे है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये है आपकी टूल और ये है आपकी मोबाइल फ़ोन, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। देखिए आपकी फ़ोन अभी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया और यहाँ पर भी रिबूटिंग हो गया, तो ये देखिए डी ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुल। तो दोस्तों ये जो MI का टूल होता है मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगी, आप भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आपकी MI की फ़ोन, तो उसके बाद देखिए आपकी फ़ोन अभी स्टार्टअप ले गया, तो आप उसके बाद सेटअप कर लेते। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए, ठीक है दोस्तों।